आर्मी को अंदरूनी सिंध बलोचिस्तान से मिलाने वाली मेन शाहरा न्यू कोयटा अरसाई दराज से टूट फूट का शिकार है। मजीद बता रहे हैं उमर फारूक अपनी इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, मैं इस टाइम पे कोयटा सिपी रोड पे खड़ा हूँ, जहाँ पर यह रोड अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और ट्रांसपोर्टर भी इस रोड से तंग है। इस टाइम पे हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद है, आइए हम इनसे जानते हैं कि वो इस रोड के बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये सर मेरा घर है, इधर मेरी अपनी रिहाइश है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ना पानी की निकासी है ना कोई चीज़, तो सबको हम दरख्वास्त दे दे के थक गए, बाहर लिहाजा इन्होंने कोई ऑप्शन नहीं ले रहे। ये रोड मेन शाहरा है, यहाँ पे सब आ रहे जा रहे, कोई एक हमारे यहाँ रिहाइश नहीं है। जितने बंदे हैं, बड़े से बड़े अफसर हैं, भी सारे अफसर हजरात भी यहाँ से गुजरते हैं। बड़ा मेहरबानी करके इस रोड को एक्शन लेते हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ कुछ ट्रांसपोर्टर हजरात भी मौजूद है, आइए हम इनसे जानते हैं कि वो इस रोड के बारे में क्या कहते हैं। जी शुक्रिया। आए रोज यहाँ से शहरियों की और हमारी गाड़ियाँ गुजरती हैं, जिनके टायर बस्ट होते हैं या पंचर हो जाती हैं। हमें माली नुकसान पहुँच रहा है, हुकूमत वक्त से मुतालबा करते हैं कि इस रोड को जल्द से जल्द तामीर किया जाए। जी बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी, इनका यही कहना है कि हमें माली नुकसान होता है जो है ना, लिहाजा हुकूमत वक्त से उन्होंने अपील की है कि इस रोड को बनाया जाए जल्द से जल्द। जी।